हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे डिटॉक्स वाटर के बारे में। कुछ लोग ना पानी नहीं पी पाते हैं गर्मियों में, और पानी नहीं पी पाते हैं तो बॉडी में ना पानी की कमी हो जाती है, फिर किसी को चक्कर आते हैं, कुछ हो जाता है। और वेट लॉस में भी पानी काफ़ी हेल्प करता है, तो आप देख सकते हैं कि डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हैं। मैं ना डिटॉक्स वाटर का ही यूज करती हूँ, इससे मुझे पता ही नहीं लगता कि मैंने कब 3 लीटर पानी पी लिया। और आप भी इसे बना के अच्छे से पी सकते हैं। तो कैसे कैसे बनाना है आज मैं आपको बताऊंगी, 3 तरह के डिटॉक्स वाटर बना के। और आप इन्हें सुबह ही बना के रख लेना। मैं सुबह ही बना के रख लेती हूँ अपने लिए, और फिर उसी पानी को मैं पूरा दिन भर पीती रहती हूँ। और उसके अलावा भी मैं सुबह को तो प्लेन ही पानी लेती हूँ, क्योंकि डिटॉक्स वाटर जब हम बनाते हैं तो उसके 4 घंटे बाद हमें उसे कंज्यूम करना होता है। और जैसे बहुत बोलते हैं ना कि जीरे का पानी पियो और अजवाइन का पानी पियो, ये पानी पियो, तो उसी तरह का पानी एक तरह से आप मान सकते हैं कि डिटॉक्स वाटर होता है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम किस तरह बनाएंगे डिटॉक्स वाटर वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक इस तरह का कांच का जार। तो इस तरह का हम कांच का एक जार ले लेंगे। मेरे पास ये तीन है, एक ये कांच की बोतल है, तो 3 हो गए टोटल। तो अभी हम इसे बना लेते हैं। सबसे पहले हम इस जग में डालेंगे, ये मैंने कुछ ये खीरा लिया है, उसको छिलके सहित काट लिया है। देखो पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है खीरे को छिलके सहित। और चेक कर लेना, पहले धो के चेक कर लेना कि कड़वा तो नहीं है। इस बोतल में मैं ऐसे डाल दूंगी, मैंने आधा खीरा लिया है, ये इसी में मैं डाल दूंगी 2 से 3 ये नींबू के स्लाइस काट के मैंने लिए हैं, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें 2 ये अदरक के टुकड़े, ये मैंने छिलका इनका उतार दिया है, धो के ले लिए हैं, अदरक के टुकड़े हैं, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये पुदीना पत्ता, मिंट, सबके घर में इजीली मिलने वाली चीज है, सबने अपने गमलों में उगा रखा है, ताजा ताजा बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लीजिए रोज। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है इस पानी में, आपको ऐसा लगेगा कि हम ये क्या बोलते हैं उसको, जलजीरा पी रहे हैं, इतना अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, और आपको सिंपल वाटर डालना है आरओ का, ठंडा पानी नहीं डालना। अगर आपका ये रखे रखे गर्म हो जाता है तो आप इसमें फिर जब गिलास में डाल के इसको पियेंगे तो इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही पियेंगे तो वेट लॉस ज्यादा अच्छा होगा। अब इसको हम ढक्कन लगा के 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। तो उससे रखने के बाद ये हो गया कि जो अदरक का, पुदीने का, नींबू का और खीरे का जूस रिलीज होगा वो सब इस पानी में आ जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ें खाएंगे भी नहीं तो आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये जाता रहेगा जब भी आप पानी पियेंगे, तो उससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं, अंदर जो गंदगी होती है वो सब साफ हो जाएगी। तो ये वेट लॉस में काफ़ी मदद करता है अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ इस डिटॉक्स वाटर को लेते हैं। तो ये तो हो गया एक तरह का। अब हम दूसरी तरह का बना लेते हैं। दूसरी तरह का बनाने के लिए फिर हमें एक जार चाहिए इस तरह का ही, ये थोड़ा छोटा है पर कोई बात नहीं, इसमें 2.5 से 3 गिलास पानी आ जाएगा। और जब ये पानी खत्म हो जाए तो आप इसमें दूसरा पानी भर सकते हैं। इसमें मैं डाल लूंगी कुछ, ये मैंने एप्पल काट के लिए है, ये एप्पल के आधा एप्पल मैंने काट लिया और इसमें डाल दिया है। इसमें मैं डालूंगी कुछ दालचीनी के टुकड़े, और इसमें डाल दूंगी मैं 2 इंच ये अदरक के टुकड़े मैंने काट लिए, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। और इसमें डाल दूंगी मैं पानी, अगर आप चाहते हैं
तो इसमें भी आप एक नींबू का स्लाइस ऐड कर सकते हैं, और इस पे भी आप ढक्कन लगा के 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। और जब भी आपको ये पीना हो तो थोड़ा सा इसको इस तरह शेक कर लीजिए ताकि पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, जो भी इन्होंने फ्रूट्स वगैरह ने अपना एसेंस रिलीज किया है वो इसमें मिक्स हो जाए, तब आप इसको लेके अच्छे से पी सकते हैं। और ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप मतलब कितने विटामिन मिनरल्स सब कंज्यूम कर रहे हैं इस पानी के थ्रू, और इसके साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज बस, तो आपका वेट लॉस ना इतना अच्छा हो जाएगा और बेली फैट तो चला ही जाएगा एकदम। अब हम बना लेते हैं 3rd नंबर का। तो इसके लिए मैंने एक कांच की बोतल ली है, इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच चिया सीड, 1 चम्मच और डाल लेंगे, और इसमें भी मैं डाल दूंगी ये दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें भी डाल दूंगी 1 इंच एक ये स्लाइस नींबू का। इसमें मैंने डाल दिया है चिया सीड, दालचीनी का टुकड़ा और 1 नींबू का स्लाइस और 1 अदरक का स्लाइस। इसमें भी मैं पानी डाल दूंगी, अब देख रहे हैं थोड़ी देर बाद ये जो चिया सीड है ये सब जेल में बदल जाएंगे, जेल इनके चारों तरफ जेल सा हो जाता है तो ये इतने अच्छे हो जाएंगे। और इनको आपको ना चिया सीड के साथ ही कंज्यूम करना है, चिया सीड को छानना नहीं है, जब आप पानी पिए उसी के साथ जो भी चिया सीड आते हैं उनको भी कंज्यूम करना है, तो इससे ना आपके बॉडी में फाइबर की बिल्कुल कमी नहीं होगी। और चिया सीड में कैल्शियम मैग्नीशियम फाइबर फुल मात्रा में होता है, इसको सुपर फूड भी बोलते हैं, और आपको ये साना की दुकानों पे ना सब्जा के नाम से भी मिल जाएगा, और चिया सीड के ऑनलाइन भी मिलता है। मैं अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह इसको करके आप शेक करके आप ले सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने 3 तरह के डिटॉक्स वाटर बना लिए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये 1st नंबर का, ये 2nd नंबर का, और ये 3rd नंबर का। ये हमने बनाया है वेजिटेबल्स से, ये फ्रूट से बनाया है, और ये बनाया है चिया सीड से। तो आपको जो पसंद हो या तीनों पसंद हो तो आप तीनों बना सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला बनाएं, 1-2 दिन इसको पी के देखें, जब इससे आपका मन थोड़ा भर जाए तो आप इस तरह का बना सकते हैं। इसमें फ्रूट में आप चुकंदर भी डाल सकते हैं, अनार भी डाल सकते हैं, ठीक है, और मौसमी कोई भी फल आप संतरा डाल सकते हैं, मौसमी डाल सकते हैं, तो आप एप्पल की जगह फ्रूट चेंज कर सकते हैं। और ये चिया सीड का तो ऐसा है, इसमें तो चिया सीड ही डालने पड़ेंगे, बहुत लोग तुलसी के बीज भी लेते हैं, और ये मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाला। इसमें हल्की सी महक आ जाएगी दालचीनी की, हल्का सा फ्लेवर नींबू का, और चिया सीड तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इस तरह जो भी आपको पसंद हो बनाएं और कंज्यूम करें, और एक बार अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको इसके फायदे अपने आप पता लग जाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं पानी का कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लग गया है, तो इसको आपको ना जब बनाते हैं उसके 2 से 3 घंटे बाद कंज्यूम करना है। जैसे आपने 7 बजे बनाया तो आप 10 बजे आप इसको कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप तीनों बना के रख लेंगे तो देखो 3 लीटर पानी आप ऐसे ही पी लेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ में से हम थोड़ा थोड़ा निकालते हैं तो वो इतनी जल्दी हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कितना पानी पी लिया। कई बार हम सोचते हैं अरे 3 लीटर पानी कैसे पियेंगे, लेकिन 3 लीटर कुछ भी नहीं होता, बहुत इजीली आप पी सकते हैं। नहीं पिया जाता कि आप पानी नहीं पी पाते, तो आप इस तरह से करके पी सकते हैं। और अगर पसंद आता है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और पी के देखें। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मैं इसे रेगुलर ले रही हूँ और मेरा वेट लॉस काफ़ी अच्छा हो रहा है। जब मैंने पहले वेट लॉस किया था तब भी मैंने कंज्यूम किया है इसको 3 महीने कंटिन्यू। सर्दियों में थोड़ा सा ये हो जाता है कि ये ठंडा हो जाता है तो नहीं पिया जाता, लेकिन गर्मियों में आप इसको बहुत ईजीली पी सकते हैं।
बस इसमें कोई भी मीठा ऐड ना करें। तो आपको कैसी लगी मेरी जानकारी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्ते और बाय बाय।